A very good afternoon and welcome to this session. Today we will discuss Bayes' theorem and examples related to Bayes' theorem. So I will quote the Bayes' formula firstly and then we can proceed. It states that probability of BR given A, BR given A, probability of BR given A is equal to, so it is fractional, probability of BR into probability of A given BR divided by probability of BI, summation runs from 1 to N, probability of BI into probability of A given BI, summation of probability of BI into probability of A given BI. This is what is Bayes' theorem formula. Or it is also called Bayes' rule. Bayes' theorem or Bayes' formula gives us this formula. B1, B2 up to BN are N number of events. They are exhaustive events. They all together form a set of events and they are sufficient, are all possible events related to an experiment. So n number of exhaustive events are there, and if A is any arbitrary event, then if A has occurred and we want to obtain the probability of event BR when A has happened, then it is the individual probability of this BR into probability of A given BR has happened divided by summation of product of probability of BI into probability of A given BI. We have to note that this probability and these probabilities will already be given to us, and then we can obtain probability of BR given A. A event has already occurred, and after that if BR occurs, then probability of BR given A will be computed from this particular formula. So this is formula related to Bayes' theorem. Now let us proceed for an example. So example 1. So, try to understand the problem. A businessman, so there is a businessman, goes to hotels X, Y, Z, 20%, 50%, 30% of the time, 20%, 30%, 50% of the time. Now see, by this they intend to say that कि एक businessman है और वो उसके business के सिलसिले में travel करते हैं. तो travel करते वक्त उनको hotels में रुकना पड़ता है, stay करना पड़ता है. तो एक कोई hotel है, उसको X नाम से हम संबोधित कर रहे हैं. वहाँ पर वो रुकेंगे, इसकी 20% chances है. Y होटल में जाएंगे, इसके 30% चांसेस हैं, और Z में जाते हैं 50%. तो कुल मिलाकर हो गया 100%. तीन होटल्स में जाने के उनकी प्रोबेबिलिटीज दी है या परसेंटेजेस दिए हैं रिस्पेक्टिवली. X होटल में जाने की उनकी संभावना 20% है रिस्पेक्टिवली. बाय रिस्पेक्टिवली वी मीन
एक्स में जाते हैं 20% एंड सो ऑन। आगे दिया है इट इज नोन, ऐसा पता है कि इट इज नोन दैट 5%, 4%, 8%, 5, 4, 8% ऑफ द रूम्स। सो ये डेटा दिया है, इसको एनालिसिस करना है ऑफ द रूम्स इन एक्स वाई जेड होटल्स। इन एक्स वाई जेड होटल्स हैव फॉल्टी प्लम्बिंग, हैव फॉल्टी प्लम्बिंग। आगे उन्होंने क्या दिया है कि एक्स होटल में 5% रूम्स में फॉल्टी प्लम्बिंग है, ऐसे ही वाई होटल में 4% रूम्स में फॉल्टी प्लम्बिंग है, जेड होटल में 8% रूम्स की फॉल्टी प्लम्बिंग है। ये बिजनेसमैन तीनों होटल्स विजिट करते हैं और वहां पर रुकते हैं और वहां के रूम्स में कितने परसेंट रूम्स फॉल्टी प्लम्बिंग वाले हैं, मतलब या तो नल खराब रहेगा या शावर खराब रहेगा, ऐसे कुछ, तो उसका भी प्रतिशत यहाँ पर दिया है। फर्दर पहला क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द बिजनेसमैन गोज टू होटल, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द बिजनेसमैन गो टू होटल विथ फॉल्टी प्लम्बिंग, गो टू होटल विथ फॉल्टी प्लम्बिंग। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, क्या डिटरमाइन करना है हमें, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो बिजनेसमैन फॉल्टी प्लम्बिंग वाले होटल में चला जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल टोटल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू अ फॉल्टी प्लम्बिंग होटल, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो ये वाला क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। बी इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बिजनेसमैन्स रूम, दैट बिजनेसमैन्स रूम हैविंग फॉल्टी प्लम्बिंग इज असाइन्ड टू होटल जेड, इज असाइन्ड टू होटल जेड। तो ये बी क्वेश्चन है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बिजनेसमैन का जो रूम है जिसकी फॉल्टी प्लम्बिंग है वो जेड होटल का रहेगा। शब्दों को हम जब यहां से वहां और वहां से यहां ऐसा कर देते हैं ना, तो उसका अर्थ भी बदल जाता है और हमें वो यहाँ पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले हम ए बिट को सॉल्व करते हैं, उससे पहले गिवन डेटा को समझ लेते हैं कि व्हाट आर द गिवन थिंग्स। होटल एक्स में जाता है वो 20%, तो इससे हम पहले तो तीन इवेंट्स बना लेते हैं उसका, एक्स होटल में जाना एक इवेंट, वाई में दूसरा, जेड में तीसरा, ये तीन इवेंट्स है और इनको हम कह देंगे B1, B2, B3। अब उन्होंने कहा है कि वो ये तीन होटल्स विजिट करते हैं, तीन के अलावा कोई होटल वो विजिट नहीं करते, तो ये तीनों इवेंट्स मिलकर एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। दिस इज पॉइंट नंबर वन। तो B1 सॉल्यूशन
पहले गिवन थिंग्स लिखते, लेट द इवेंट ऑफ गोइंग टू होटल एक्स बी डिनोटेड बाय बी वन. उस इवेंट को बी वन से डिनोट कर रहे हैं. एंड ऑफ गोइंग टू होटल वाई बी डिनोटेड बाय बी टू. वाई में जाना, होटल वाई में जाना, ये इवेंट को बी टू से डिनोट कर रहे हैं. एंड दैट ऑफ गोइंग टू होटल जेड, इवेंट को समझना जरूरी है. होटल जेड बी बी थ्री. ये तीन एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं जो हमारे एक्सपेरिमेंट को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रहे हैं. इन तीनों होटल्स के अलावा वो कहीं नहीं जाते, है ना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन, वो होटल एक्स में जाएंगे, इसकी 20% चांसेस है. तो इट विल बी 20/100 इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो इट इज 1/5, और रादर यू कैन टेक 0.2. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. एक्स होटल को वो एक्स होटल का उन एक्स होटल में जाने का इवेंट बी वन कह दिया और उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है. सिमिलरली वो वाई होटल में जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 30% जाते हैं वो होटल वाई में. इट विल बी 30/100, 100 में से 30 बार जाते हो, तो इट इज 0.3. सिमिलरली वो जेड होटल जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थ्री इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज इक्वल टू हाउ मच इज लेफ्ट, 50%. सो इट इज 0.5. तो ये प्रोबेबिलिटीज निकाल दी उनके होटल्स विजिट करने की. ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है. ये तीनों मिलके पूरे एक्सपेरिमेंट को, एक्सपेरिमेंट है होटल में जाना, डिस्क्राइब कर रहे हैं. अब आगे क्या दिया है वो समझना जरूरी है. इट इज नोन दैट 5% ऑफ द रूम्स इन एक्स वाई जेड होटल्स हैव फॉल्टी प्लम्बिंग. 5, 4, 8% एक्स वाई जेड होटल हैव फॉल्टी प्लम्बिंग. तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वेयर व्हाट इज ए. अब ए एक आर्बिट्ररी इवेंट है. वो इवेंट यहां पर क्या है, हियर आर्बिट्ररी इवेंट ए इज इवेंट ऑफ फॉल्टी प्लम्बिंग, क्योंकि इससे ही रिलेटेड बात हो रही है ना. तो फॉल्टी प्लम्बिंग रहेगी, इस इवेंट को हम आर्बिट्ररी इवेंट ए से डिनोट कर रहे हैं. पी ऑफ ए डिनोट्स इट्स प्रोबेबिलिटी, फॉल्टी प्लम्बिंग की प्रोबेबिलिटी डिनोट कर रहा है पी ऑफ ए. ए इवेंट है फॉल्टी प्लम्बिंग एंड पी ऑफ ए इज इट्स प्रोबेबिलिटी. अब ये जो परसेंटेजेस दिए हैं, व्हाट आर दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एक्स, ये समझ में आना बहुत जरूरी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एक्स मतलब एक्स होटल को विजिट करना, ये एक इवेंट है और इसके बाद उसमें फॉल्टी प्लम्बिंग वाला इवेंट, ये उसके बाद की बात है. जब वो विजिट करेगा तब उसके आगे वो फॉल्टी प्लम्बिंग वाले रूम की बात होगी. तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एक्स दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एक्स
वो केवल फॉल्टी प्लम्बिंग इन द होटल एक्स. तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमको दी है, तो ये पॉइंट समझ में आना ज्यादा जरूरी है. सो हियर इट इज 5%. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एक्स इज 5%. सो इट इज अगेन प्लम्बिंग की प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एग्जॉस्टिव इवेंट्स एक्स वाई जेड इज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्टी प्लम्बिंग इन द होटल जेड और गिवन होटल जेड इज इक्वल टू 8% इज इक्वल टू 5/100. I beg your pardon, dear students. 5/100 is 0.02. Sorry, 5/100. 1/20. How much it is? 0.05. I had done a mistake over here. You please rectify that. 5/100 is 0.05. 4/100 is 0.04. Please revise this. And 8/100 will be 0.08. तो ये probabilities दी है, conditional probabilities दी है, और ये हमको यहाँ पे समझ में आना जरूरी है. एक्स होटल की फॉल्टी प्लम्बिंग 5% है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एक्स इज 0.05. सिमिलरली फॉर वाई इट इज 0.04 एंड फॉर जेड इट इज 0.08. तो गिवन थिंग्स अगर हमने ठीक से लिख लिए तो आगे का टास्क बहुत इजी है. अब क्वेश्चन नंबर ए पे आइए. Determine the probability that the businessman go hotel with faulty plumbing. वो faulty plumbing वाले hotel में जाएगा, इसकी probability क्या है? तो वो तो हमने probability of A से denote की है. यहाँ पे आ जाएगा total probability का theorem. Theorem of total probability is equal to I will run from 1 up to 3 क्योंकि 3 hotels है. Theorem of total probability से 3 exhaustive events है. तो probability of selecting the hotel X जो हमने B1 से denote किया है into probability of selecting a faulty A रूम विथ फॉल्टी प्लम्बिंग. तो ये 3 इवेंट्स B1 इवेंट इंटू उसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू फॉल्टी प्लम्बिंग, B2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी इंटू उससे रिलेटेड फॉल्टी प्लम्बिंग, एंड थर्ड वाला भी वैसे ही है. सो दिस इज probability of B1 into probability of A given B1. अगर वो B1 होटल चूज करता है, X होटल चूज करता है, मतलब B1 इवेंट होता है तो उसमें से फॉल्टी होने का इतना चांसेस है. अगर वो Y होटल चूज करता है तो उसमें फॉल्टी प्लम्बिंग होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है. या वो जेड होटल चूज करता है तो जेड होटल चूज करने की प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 है और उसमें फॉल्टी होगा प्लम्बिंग, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B3. ये है ना एक्चुअली थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, जिसका बेसिक एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है. फॉल्टी A में भी रह सकता है, फॉल्टी B1 में, एक्स होटल में भी रह सकता है, फॉल्टी वाई में भी रह सकता है, फॉल्टी जेड में भी रह सकता है. तो एक्स में जाएगा और फॉल्टी होगा उसके इतने,
प्लस वाई में जाएगा और फॉल्टी रहेगा तो उसकी इतनी, जेड में जाएगा और फॉल्टी प्लम्बिंग वाला होगा उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो एडिशन लॉ है ना, एन नंबर ऑफ इवेंट्स है, उनकी पी वन पी टू पी एन प्रोबेबिलिटीज है, तो उसमें से कोई एक होगा कि प्रोबेबिलिटी इज एडिशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, तो उसी पे आधारित है ये। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज दी है, अगर वो एक्स होटल चूज करता है तो उसमें फॉल्टी प्लम्बिंग कितनी है ये दिया है, तो ये यहाँ पे ये नोटेशन को ये वैल्यूज एसोसिएट करना, रूम चूज होगा इसकी प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन, व्हाट इज द वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन 0.2, 0.3, 0.5, ये मैं ऐसे लिख लेती हूँ, 0.2, 0.3, 0.5 इंटू 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 0.05, 0.05, 0.04 एंड 0.08, ये मल्टीप्लीकेशंस करके एडिशन कितना आएगा। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। अब बेस थ्योरम में ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, ये टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इनटू बी आई की प्रोबेबिलिटी और इनका समेशन, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। जब डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात होती है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज दी हो तो उस समय पर टोटल प्रोबेबिलिटी ऐसे फाइंड आउट की जाती है। पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड डियर स्टूडेंट्स। इसमें इस पॉइंट में किसी को कुछ पूछना है, एवरीथिंग इज क्लियर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आ रही है ना, दिस इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन स्पेसिफाइड है, अगर वो एक्स में जाता है तो इतने प्रतिशत फॉल्टी है, ऐसे ए गिवन एक्स फॉल्टी इन एक्स होटल लाइक दैट। अब बी पे आते हैं, बी बी क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बिजनेसमैन्स रूम हैविंग फॉल्टी प्लम्बिंग इज असाइन्ड टू होटल जेड। अब वो बिजनेसमैन किसी रूम में ठहरता है, ठीक है, तो वो रूम फॉल्टी प्लम्बिंग वाला है और वो होटल जेड का है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। ये सेंटेंस या ये क्वेश्चन को समझने ज्यादा जरूरी है, बिजनेसमैन को जो रूम मिला वो फॉल्टी प्लम्बिंग वाला है और वो जेड होटल का है, होटल जेड का है, फॉल्टी प्लम्बिंग वाला रूम होटल जेड का है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। मतलब क्या ढूंढना है हमें, फॉल्टी प्लम्बिंग वाला रूम जो बिजनेसमैन को मिला, ये अंडर अजम्पशन है कि उसको फॉल्टी रूम प्लम्बिंग वाला रूम मिला तो वो होटल जेड का है, इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ असाइन टू होटल जेड गिवन दैट रूम हैज फॉल्टी प्लम्बिंग, दिलेलं काय आपल्याला कि रूम फॉल्टी आहे, फॉल्टी प्लम्बिंग वाला है, फॉल्टी प्लम्बिंग वाला रूम आहे, तर तो जेड चा असेल याची किती प्रोबेबिलिटी। तर हे काय, फॉल्टी दिलेला आहे डियर स्टूडेंट्स आणि तो झेड चा असेल याची किती प्रोबेबिलिटी आहे, तर याला झेड झेडच्याला आपण बी थ्री म्हटलंय, बी थ्री गिव्हन ए, तर इथे आपण मात्र बेस फॉर्म्युला किंवा बायस फॉर्म्युला, बायस फॉर्म्युला और बेस फॉर्म्युला जे काय असेल ते लावणार आहे। व्हॉट इट विल बी, बी वन गिव्हन ए, सॉरी
A given B1, A given B1, probability of B1 into, पहले डिनोमिनेटर लिख लो डियर स्टूडेंट्स, B1 की प्रोबेबिलिटी इंटू A given B1 प्लस B2 की प्रोबेबिलिटी इंटू A given B2 प्लस B3 की प्रोबेबिलिटी इंटू A given B3, और ऊपर क्या आएगा B3A, सो B3 की प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A given B3, B A B A B, आई होप यू रिमेम्बर। ऐसे ये फॉर्मूला आपको कंस्ट्रक्ट करना है डिपेंडिंग अपॉन द गिवन प्रॉब्लम। पहले तो आपने इवेंट्स को समझने की कोशिश की कि एक्स होटल में जाना ये एक इवेंट है, वाई में जाना ये तीन इवेंट्स और ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, और बाद में आपने फॉल्टी प्लम्बिंग वाला रूम, इस इवेंट को आपने एक आर्बिट्ररी इवेंट ए बोला। तो पहले ये आइडियाज टोटली क्लियर चाहिए अपने माइंड में, तब जाके ये फॉर्मूला हम जनरेट कर पाते हैं, पूरे थॉट प्रोसेस है। तो ये फॉर्मूले से सब कन्विंस्ड है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि फॉल्टी रूम जेड होटल का रहेगा, ये अलग बात है, और जेड में फॉल्टी रूम रहेगा ये अलग बात है, होटल जेड में फॉल्टी रूम रहना ये अलग बात है, और फॉल्टी प्लम्बिंग वाला रूम असाइन करने के बाद में होटल जेड का रहेगा कितना, ये अलग बात है, ये दूसरी बात है। ये फॉर्मुलेशन समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ये फॉर्मुलेशन अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम एक एक करके वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। B3 यानी Z में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 पॉइंट फाइव प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B3। तो Z होटल में जा रहे हैं और वहां पे फॉल्टी प्लम्बिंग होगी, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है A ऑब्लिक B3, A स्लैश B3, ये वन A स्लैश Z 0.08। हाँ, अभी ये वाली टर्म, तीसरी टर्म यहाँ आएगी 0.5 इंटू प्लस आगे की दो टर्म्स, ये y और ये x होटल के कितने हैं। हाँ, एक्चुअली वो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्टी प्लम्बिंग ये तीनों निकाले ना हमने 0.062, तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं 0.062, व्हाट इज द वैल्यू 40 प्लम्बिंग वाला रूम असाइन किया है और वो जेड का रहेगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द वैल्यू डियर स्टूडेंट 0.645। ओके शिवानी प्रदीप सेम आंसर, ठीक है ओके। सो दिस इज वन एग्जाम्पल, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, या तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि एक्चुअली दिया क्या है। आई थिंक मुझे वो मैथ्स वाला एग्जाम्पल फिर से लेना चाहिए, तो मैं वो भी एग्जाम्पल एक बार डिस्कस कर लेती हूँ आपसे। तो वो
in a certain college. ट्वेंटी ऑफ बॉयज एंड 10% ऑफ गर्ल्स आर स्टडिंग मैथमेटिक्स. तो किसी स्कूल में बॉयज में से 25% बॉयज मैथ सीख रहे हैं, सारे नहीं सीख रहे बॉयज. सपोज 100 बॉयज है, 100, तो उसमें से 25 बॉयज ही मैथ सीख रहे हैं और 10% गर्ल्स मैथ सीख रही है. द गर्ल्स कॉन्स्टिट्यूट, द गर्ल्स कॉन्स्टिट्यूट 60% ऑफ द स्टूडेंट बॉडी. अब ये अलग बात है, ये अलग इवेंट है. जितने भी स्टूडेंट्स हैं टोटल, उसमें से 60% लड़कियां हैं, मतलब 40% लड़के हैं टोटल स्टूडेंट्स में के. तो ए, ये डाटा हमें दिया है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी That mathematics is being studied. Mathematics is being studied. कितनी प्रोबेबिलिटी के मैथमेटिक्स सीखा जाएगा, ये एक क्वेश्चन है. अब मैथमेटिक्स कब सीखा जाएगा, अगर कोई लड़का वो सब्जेक्ट ऑप्ट करता है तब सीखा जा सकता है, सीखा जाएगा. या कोई लड़की ऑप्ट कर रही है, या दोनों भी ऑप्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर आ गया आपका एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. कोई लड़का ऑप्ट करे या लड़की ऑप्ट करे या दोनों ऑप्ट करे, तब ये मैथ सब्जेक्ट सीखा जाएगा. बी पॉइंट क्या ढूंढना है, इफ अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड, इफ अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम. रैंडमली एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया एंड इज फाउंड, एंड इज फाउंड टू बी स्टडिंग मैथमेटिक्स. रैंडमली एक बच्चा ढूंढा और वो मैथमेटिक्स सीखने वाले में से है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज अ गर्ल. अब ये जो इवेंट है ना, ये इवेंट और हमारा परसेप्शन क्या होता है इसके बारे में, अ गर्ल अ बॉय, ये दो अलग इवेंट्स है डियर स्टूडेंट्स. एक बच्चा रैंडमली सेलेक्ट किया और वो मैथमेटिक्स वाला बच्चा निकला, मैथमेटिक्स सीखने वाला, तो वो बच्चा जो हमने ऐसे सेलेक्ट किया है वो लड़का रहेगा, इसकी कितने लड़की रहेगी इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, और लड़का रहेगा इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, ये एक बात है. और कोई लड़का मैथ सीखना या लड़की मैथ सीखना, ये दूसरी बात है. तो आई होप द डिफरेंस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. तो अब हम गिवन डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, क्या दिया है, और उसको नोटेशन असाइन करते हैं. किसी कॉलेज में 25% लड़के मैथ्स सीख रहे हैं. अब मैं इसको पहले ऐसे सेट थियोरी से आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ये एक बड़ा सा इवेंट है, सैंपल स्पेस. ये स्पेस है सारे स्टूडेंट्स का, इसमें कुछ गर्ल्स होंगी और कुछ बॉयज होंगे, और जो मैथमेटिक्स सीखने वाला वर्ग है तो वो कंप्राइज करेगा कुछ लड़के और कुछ लड़कियां. यहाँ के यहाँ पर जो बैठे हैं इस एरिया में, वो लड़के हैं जो मैथ्स सीख रहे हैं, और यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो लड़कियां हैं जो मैथ्स सीख रही है.
ये आपको आइडिया क्लियर रहनी चाहिए. ये ऑल स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ऑल स्टूडेंट्स इन द कॉलेज या स्कूल, वॉट एवर इज द केस. ये जो रीजन है कॉमन है, वो लड़कियां भी हैं और वो मैथमेटिक्स सीख रही है. ये लड़के हैं और मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, और ये ऐसे इससे थोड़ा अंदाजा आपको आएगा. तो 25% ऑफ बॉयज एंड 10% ऑफ गर्ल्स आर स्टडिंग मैथ्स, ये हम बाद में लिखेंगे, पहले ये लिखते हैं. गर्ल्स कॉन्स्टिट्यूट 60% ऑफ द स्टूडेंट बॉडी. प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ गर्ल, ये एक इवेंट है डियर स्टूडेंट. वो विद्यार्थी लड़की है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो कह रहे हैं कि 60% बच्चे लड़कियां हैं, तो 60/100. सो हाउ मच इज दिस? अब इसको फ्रैक्शन में रखते हैं, कैसे भी कर सकते हैं आप. फ्रैक्शन में रखेंगे हम 3/5, तो ये एक प्रोबेबिलिटी है. तो मैं इसको प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ गर्ल ऐसे डिनोट कर रही हूँ, पी ऑफ जी. ऐसे ही प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ बॉय कितना रहेगा डियर स्टूडेंट? प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ बॉय, हाउ मच इट विल बी? 60% लड़कियां हैं स्कूल में, तो 40% लड़के होंगे. इट विल बी 2/5. तो कोई स्टूडेंट लड़का होगा, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 2/5. तो ये मैं ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय या BOY भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ BOY बॉय इज 2/5. ये नोट करना है, डेटा जो दिया है ये आगे यूज होने वाला है. अब उन्होंने आगे क्या दिया है, 25% बॉयज मैथ्स सीख रहे हैं. तो व्हाट इज दिस 25% बॉयज जो मैथ्स सीख रहे हैं, मैथ्स सीखने वाले बॉयज, मैथ्स सीखने वाले बॉयज. ऐसा अगर आप याद रखोगे ना, तो ये M/B है. मैथ्स सीखने वाले बॉयज इज इक्वल्स टू, जितने भी बॉयज हैं उसमें से 25% बॉयज इज इक्वल टू 25/100 इज 1/4. इसमें हम फ्रैक्शनल रख रहे हैं, पॉइंट्स में भी ले सकते हैं आप. यस यस, वी हैव डिस्कस्ड दिस, बट रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी इसीलिए मैं वापस ले रही हूँ. मैथ्स सीखने वाले बॉयज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स सीखने वाली गर्ल्स, गर्ल होना एक इवेंट और उसमें फिर वो मैथ्स सीख रही है, ये दूसरा इवेंट. मैथ्स सीखने वाली गर्ल्स 10%, लड़कियां मैथ्स सीख रही, तो 1/10. तो ये चार प्रोबेबिलिटीज हमने ढूंढ ली है. अब एक क्वेश्चन क्या है, मैथ्स सीखा जा रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो मैथ्स कब सीखा जाएगा, अगर कोई लड़की उसको सीख रही है या लड़का सीख रहा है. तो थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी लेते हैं, लड़कियां मैथ्स सीखेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गर्ल विल स्टडी मैथ्स एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉयज विल स्टडी मैथ्स? तो ये इंटरसेक्शन है दोनों सेट का. ये इंटरसेक्शन, गर्ल स्टडी मैथ्स, बॉय स्टडी मैथ्स. सो दिस इज दैट सेट. दिस इज इक्वल्स टू सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स गिवन गर्ल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय
capability of maths being studied by a boy. This intersection is this much. This intersection's probability is this much. Point to be noted. So, what is the value of this? Probability that the student is a girl is 3/5. Probability of maths given that she is a girl, studying maths given that she is a girl, is 1/10 plus 1/10 probability of a student being a boy is 2/5 into probability of maths studied by a boy 1/4. तो ये बॉयज मैथ्स सीखने की प्रोबेबिलिटी और ये गर्ल्स मैथ्स सीखने की प्रोबेबिलिटी, मतलब इंटरसेक्शन, गर्ल भी है और मैथमेटिक्स भी सीख रही है, बॉय है और मैथमेटिक्स सीख रहा है, इज इक्वल टू, सो इट इज 4/25. ये मैथ्स सीखा जाएगा, इतनी पॉसिबिलिटी है, 25 में से 4 है पॉसिबिलिटी मैथ सीखा जाएगा. सेकेंड पॉइंट, सेकेंड इज बेस्ड ऑन बेस थ्योरम. सेकेंड पॉइंट इज बेस्ड ऑन बेस थ्योरम. फर्स्ट पॉइंट वॉज बेस्ड ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी. क्वेश्चन नंबर बी इज कोई विद्यार्थी रैंडमली सेलेक्ट करे तो वो गर्ल रहेगा, और वो मैथ्स वाला अगर निकलता है तो वो गर्ल रहेगी, इसकी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, और उसके आगे है बॉय रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है. तो बी पे काम करते हैं पहले. रैंडमली सेलेक्ट किया और वो बच्चा मैथ्स का निकला तो वो गर्ल रहेगी, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, प्रोबेबिलिटी. मैथ्स तो सीखने वाला वो व्यक्ति है लेकिन वो गर्ल रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ गर्ल फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ये ढूंढना है. जी एम जी एम जी जी एम जी एम जी ऐसे याद रखना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय एम ऑब्लिक बॉय गर्ल, ये कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हो आप फॉर्मूला, तो प्रैक्टिस लगेगी. ये टोटल प्रोबेबिलिटी है एक्चुअली कि मैथ्स सीखा जाएगा, तो आप इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हो, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मैथ्स इज बीइंग स्टडीड, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज गर्ल इज 3/5. इंटू गर्ल जो मैथ्स सीखते हैं उनका प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम गिवन जी इट इज 1/10, और ये अभी निकाला मैथ्स सीखने वाले की प्रोबेबिलिटी है 4/25 इज इक्वल टू 3/5 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 21. डिनोमिनेटर्स डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर इज डिनोमिनेटर. So how much it is? थ्री अपॉन एट. तो रैंडमली सेलेक्टेड मैथ्स वाला बंदा या बंदी लड़की रहेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/8. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी कि मैथ्स सीखने वाला व्यक्ति लड़का रहेगा ये पूछा है, विल बी इक्वल टू बी एम बी एम बी बी एम बी एम बी एंड दिस विल बी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स. इट इज इक्वल टू बॉय रहेगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है,
2/5 और ये 1/4, 2/5 1/4, 2/5 1/4 डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉपर्टी 4/25, 2/5 इंटू 1/4 इंटू 4 एंड दिस इज इंटू 25, हाउ मच इट इज 5/8। तो रैंडमली सेलेक्टेड वाला मैथ्स वाला स्टूडेंट लड़का रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 5/8। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स? किसी को कुछ पूछना है? और एक एग्जांपल ले लूं मशीन का, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। वुड शैल आई कंटिन्यू या 2 बजे लेक्चर है? यस डियर स्टूडेंट्स, शुड वी कंटिन्यू और डू यू हैव लेक्चर? ये एग्जांपल्स कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या?